कि करियर बनना किसे कहते हैं, सक्सेस कैसे हो, है ना, हाउ टू सक्सीड, हाउ टू गेन सक्सेस, ये अगर सवाल है, सो आई नीड टू चेक द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन योर माइंड कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज सक्सेस, आपके नजरिए में, आपके दृष्टिकोण में सक्सेस की परिभाषा क्या है, प्रगति, पहुंचना, सब कुछ हासिल करना किसे कहते हैं, क्या बॉलीवुड में 4 गाने गा लेना ये सक्सेस है आपकी नजर में, या संगीत को गहराई से जान लेना ये सक्सेस है। ऐसे हालात हो तो क्या करें, ये करें ना करें क्या करें। अब एक सवाल और उठता है, उसके जवाब मैं देता हूं। वो सवाल ये है कि शास्त्रीय संगीत हम सीख रहे हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने को कहा जा रहा है, इसमें करियर क्या है? ये सवाल आता है, कितनों के मन में आता है, शास्त्रीय संगीत में करियर क्या है? बताओ बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर शास्त्रीय संगीत सीखने बैठे हो, यहां जुड़े हो, तो इसमें करियर क्या है वो तो जानना ही चाह रहे होगे कि भैया रोकड़ा कैसे आएगा और पेट कैसे पालेंगे। जाहिर बात है भाई, कोई भी चीज हम सीख रहे हैं तो उसकी एक वजह है ना भाई, पैसा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनी इज एवरीथिंग, बट मनी इज समथिंग, भैया कुछ तो है, बगैर पैसे के बहुत चीजें मुमकिन नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि हम मनी की वजह से सीख रहे हैं, पर मनी भी एक उसका भाई बेनिफिट तो है ही है, वो बात अलग है। कुछ लोग सेटल्ड हैं, अपना आराम से कमा खा रहे हैं, और वो सुकून के लिए, शांति के लिए संगीत सीखते हैं कि बस अच्छा लगता है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो लोग तो सर्वो मतलब सबसे अच्छे हैं, ये मान लीजिए कि जो संगीत को इस नज़रिए से सीखते हैं, सुकून के लिए, शांति के लिए, कि अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है, ठीक है। सो करियर वाले हैं, कुछ कुछ ने हाथ खड़े करे हैं, तो करियर पे जवाब देता हूँ चलिए आज मैं, कि करियर कैसे बनता है म्यूज़िक में, या क्लासिकल म्यूज़िक में टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि बॉलीवुड में तो आपको मालूम है कि फिल्मी गानों का करियर तो बॉलीवुड है ना, वहाँ जाओ, दर दर भटको, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के धक्के खाओ, राइटर्स के धक्के खाओ, डायरेक्टर्स के धक्के खाओ, और काम मिलेगा, ये उम्मीद है कि नहीं। या प्लेटफॉर्म, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल में जाओ, सारे गामों में जाओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अटेंड करो, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स दो, वहाँ से काम मिलेगा। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा यहाँ कि वहाँ कितनों को काम मिला है, कितनों को नहीं मिला है, क्योंकि मेरे पास एक्सेप्शन्स आ जाएंगे अभी तुरंत जवाब में, आर्ग्यूमेंट में तुरंत एक्सेप्शंस दोगे कि वो देखो वो तो गए थे इंडियन आइडल में, उन्हें तो मिल गया काम। लेकिन लोग यही भूल जाते हैं कि एक्सेप्शंस का मतलब ही एक आध होता है ना, एक ही जरिए से सबको रोजगार मिल जाए तो बात ही क्या होती, एक ही जरिए से यानी एक ही रास्ते से सबको वही मकाम हासिल होगा, क्या ये चीज़ मुमकिन है? नहीं। विशाल मिश्रा का एग्जाम्पल मिलता है कि इंडियन आइडल में गए थे, आज म्यूज़िक कंपोजर हैं, सिंगर हैं, इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, इंडियन आइडल में गए थे, नेहा कक्कड़ का नाम आता है, इंडियन आइडल में गई थी, दे वर नॉट द विनर्स, वर दे? नहीं ना। अरिजीत सिंह का नाम आता है कि वो कौन सा फेम गुरुकुल, मेरे ख्याल से फेम गुरुकुल में गए थे, ही वॉजंट द विनर। विनर्स कहाँ हैं आज इंडस्ट्री में? जो एक्सेप्शन हैं यही 3-4 हैं जिनके मुझे आ सकते थे आर्ग्यूमेंट में जवाब, कि अगर आप कहते हैं कि वहाँ से मकाम हासिल नहीं होता है, तो यही 3-4 नाम हैं, जुबिन नौटियाल हैं उनका नाम आता है, कि यही तो इंडस्ट्री में आज ये काम कर रहे हैं, और उन्होंने तो उसी जरिए से काम हासिल किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जरिया गलत है? बट वेयर आर द विनर्स? अभिजीत सावंत का नाम किसी ने अभी चैट बॉक्स में लिखा, विनर्स को क्यों नहीं काम मिला? बिकॉज काम ये प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, काम आपकी मेहनत और जैक लगती है वहां पे, इंडस्ट्री है वो, अगर इंडस्ट्री ही मकाम है, वहीं जाना है, उसकी बात बता रहा हूं, है ना। इंडियन क्लासिकल में करियर कैसे बनता है, उस पर आने से पहले आपके जहन में जो करियर की परिभाषा है, मैं उनको उसको तो सुधार दूं, कि करियर बनना किसे कहते हैं, सक्सेस कैसे हो, है ना, हाउ टू सक्सीड, हाउ टू गेन सक्सेस, ये अगर सवाल है, सो आई नीड टू चेक द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन योर माइंड, कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज सक्सेस, आपके नजरिए में, आपके दृष्टिकोण में सक्सेस की परिभाषा क्या है, प्रगति, पहुंचना, सब कुछ हासिल करना किसे कहते हैं,
क्या बॉलीवुड में चार गाने गा लेना ये सक्सेस है आपकी नज़र में, या संगीत को गहराई से जान लेना ये सक्सेस है? क्योंकि ये बातें तो बातें हैं, देखो खैर ये वाली भी आ जाती है कि यार ये तो आप बातें बता रहे हो पर अंततो गत्वा एट द एंड उसका क्या, इससे संगीत से पेट भी तो पालना है, नौकरी भी करनी है भाई, 25, 26, 24 के हो चुके हैं, है? नौकरी भी तो करनी पड़ेगी, पैसा कहां से कमाएंगे? तो जाहिर है वो रोजगार जो है वो बहुत जरूरी है ना। खैर रोजगार कैसे मिलता है संगीत में? अगर मैं इन्हीं लोगों के एग्जांपल्स दूं और इन्हीं लोगों के एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊं कि हाउ डिड दे रीच दैट लेवल, है ना। एक किसी ने कुछ लिखा अभी मुझे पढ़ने में आया, म्यूजिक इज टाइप ऑफ डोपेमीन फॉर मी। डोपेमीन शायद कोई ड्रग होता है ना, मुझे उतना आइडिया नहीं पर हाँ इतना मुझे जरूर मालूम है कि डोपेमीन कोई शायद ड्रग होता है, हार्मोन होता है। अच्छा ओके, मुझे उतना आइडिया नहीं है पर हाँ एक तरह से आपके लिए शायद वो नशा है कि वो उसमें जब आप होते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाता है, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से यही आप कहना चाह रहे होंगे, है ना। तो रिलैक्सेशन अच्छा मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए, ये यही नज़रिया होना चाहिए संगीत को लेकर, कला को लेकर, है ना। तो खैर लाइट म्यूज़िक में जब आप करियर ढूंढते हैं तो आपको मिलता है कि आप एक गज़ल सिंगर बन सकते हैं, आप एक भजन सिंगर बन सकते हैं, आप क्या करते हैं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कैफेज़ में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग गाना गा रहे हैं, है ना। एक ये करियर एस्पेक्ट लोग चुनते हैं संगीत में। अगर मैं ये कहूँ नौकरियाँ करनी है संगीत में तो अच्छी खासी डिग्री ले लो, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट स्कूल से आप संगीत में डिग्री ले लो, MA BA कर लो, है ना, PhD तक चले जाओ तो आप प्रोफेसर्स बन जाते हो, स्कूल्स में नौकरियाँ मिल जाती हैं, कॉलेज में नौकरियाँ मिल जाती हैं, बट उसका फ्यूचर क्या है? बस उतना, आप वहाँ पे सिखाते में ही रह जाओगे। आर्टिस्ट बनना है या टीचर बनना है ये पहले तय करो। अगर टीचर बनना है उसका कैरियर एस्पेक्ट अलग है, है ना, क्योंकि टीचर बनोगे तो भैया पैसा है ये बता देता हूँ आपको, लेकिन कलाकार बनोगे वहाँ पे पैसे की कोई गारंटी नहीं है कि पैसा मिलेगा, या सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। आर्ट जो है बड़ी इनसिक्योर लाइन है, तो ये जितने 70 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं बड़ी इनसिक्योर लाइन में आए हैं। अगर आर्ट से कमाना है तो कला से, सभ्यता से कमाना, सभ्य तरीकों से कमाना बहुत मुश्किल काम है भैया। कला में बेचना पड़ता है अपने आप को, और बाइज्जत तरीके से बेचना अपने आप को और फिर कमा लेना बहुत मुश्किल काम है, है ना। क्योंकि कला में जैसे ही कमाने लगते हैं ना लोग तो लांछन लगते हैं, कह रहे तो नाचने गाने वाले हैं, क्या करता है ये, अरे गिटार लेके शादियों में गाता है। डांसर हो क्या करता है, अरे शादियों में नाचता है, ये तो स्टेज पे नाचता है, तो छोटे छोटे कपड़े पहन के जनता के लिए। फिल्म में एक्टर बन जाओ तब भी यही लांछन लगते हैं। मैं आम जनता की लांछन बता रहा हूँ, जो पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं जिनको मालूम है कला क्या होती है वो ऐसे लांछन नहीं डालते हैं, वो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, पर वो लोग ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं जिन्हें संगीत के बारे में कुछ नहीं पता कि यार ये क्या करता है, अरे दिन भर गाता रहता पता नहीं क्या करेगा, गाने बजाने वाले हैं ये तो, है कि नहीं। और भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल करें तो लोग कहते हैं भांड है, ये तो भांड कहा जाता है कलाकार को, है ना। तो ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं, अगर कमाने जाओगे इस फील्ड में आए हो कमाने के लिए तो सहना पड़ेगा भैया, बहुत सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। भांड का मतलब बेसिकली कलाकार ही होता है, लेकिन असभ्य भाषा में आप उसे कहते हैं, जो नाच गा के पैसे कमाता है ना, उसे लोग भांड कह देते हैं। ये आई डोंट नो बाकी प्रांतों में इस शब्द का इस्तेमाल होता है कि नहीं, पर हाँ राजस्थान में इसका इस्तेमाल होता है इसलिए मुझे मालूम है। तो नौकरियां कर सकते हो, करियर अगर बनाना है तो नौकरियां कर सकते हो अच्छी खासी, तो उसमें इज्जत है, एटलीस्ट टीचिंग इज अ वेल सिक्योर्ड जॉब है, है ना। गवर्नमेंट टीचिंग कर लोगे तो भैया और अच्छी बात है। लेकिन अगर कलाकार बन के कमाना है तो ये तरीके होते हैं कि या तो आप अपना साज लेते हो और जगह जगह कैफेज में गाते हो, जगह जगह प्रोग्राम, जैसे कहते हैं ना आर्टिस्ट अगर बनना है तो प्रोग्राम करने, तो प्रोग्राम करने की शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत यहीं से होगी, छोटे छोटी परफॉर्मेंसेस करोगे, जगह जगह शादियों में गाओगे, कैफेज में गाओगे, प्राइवेट सेक्टर्स में गाओगे, कॉरपोरेट पार्टीज में गाओगे, है कि नहीं। या फिर आप यूट्यूब पर आ जाते हो, यूट्यूब पर अपने गाने अपलोड करते हो, परफॉर्म करते हो, लेकिन अर्निंग यूट्यूब से इतनी आसानी से होती नहीं है। यूट्यूब पैसे का पेड़ तो है नहीं कि भैया वीडियो डाला और वायरल हो गए,
यही तो यही होता है ना, हमारी जनता इतनी नादान है बेचारी, इतनी भोली है कि वो ये देखती है कि यार ये वायरल हो गया, हम भी वायरल हो जाएंगे, एक वीडियो डालते हैं अपने, क्या एक आंख मारो अपने भी 5 लाख फॉलोअर्स आ जाएंगे, है ना। तो जिसके आए थे वो 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, वो नाम नहीं ध्यान मुझे उसका, है ना। पर ये कर दो, या थोड़े ठुमके लगा दो, टिकटॉक पे आ जाओ, तो वहां से हम कुछ ना कुछ तो कमा ही लेंगे। कला में पहले ही मैंने बोला है, बाइज्जत तरीके से कमाना है तो बड़ा मुश्किल है भैया। बाइज्जत कहते हैं यानी विद रिस्पेक्ट कमा लेना बड़ा मुश्किल काम है। सोनू निगम साहब को आप देखिए, उनके फादर क्योंकि एक म्यूजिशियन थे, सिंगर रहे हैं, है ना, तो जगह जगह जाके भजन संध्याएं करी उन्होंने। नेहा कक्कड़ आप उनको उठाएं, उनका भी यही बैकग्राउंड रहा है, भजन संध्याएं करी है, माता की चौकी करी है, सोनू कक्कड़, नेहा कक्कड़ और टोनी उनके जो ब्रदर हैं, इन तीनों ने भी यही किया है, भजन संध्याएं करी जा जाकर। उसके बाद वो वहीं से कहीं से इंडस्ट्री में आए हैं, है ना, रगड़ रगड़ के, घिस घिस के। इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं, एफर्ट्स हमें दिखते नहीं है, सक्सेस हमें दिखती है, स्ट्रगल्स हमें दिखते नहीं है, है ना। तो स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं अगर करियर बनाना है। शास्त्रीय संगीत की अगर आप बात करते हो तो इसमें करियर जो एस्पेक्ट है वो बहुत बाद की चीज है, इसे पहले साधना पड़ता है। शास्त्रीय संगीत में जो भी आता है ना, मेरे ख्याल से वो करियर एस्पेक्ट्स के लिए नहीं आता है। करियर एस्पेक्ट्स के लिए आओगे तो जाओ नौकरी करो, वहां जाओ कॉलेजेस में जाके नौकरी करो, कॉलेजेस से सीखो संगीत, क्योंकि वहां सिखाया कुछ नहीं जा रहा है ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं, बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं वहां जहां वाकई में संगीत की शिक्षा दी जा रही है, जहां सच्चा संगीत सिखाया जा रहा है। वरना ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस में मालूम है क्या होता है, गधे तैयार होते हैं, गधे मशीन्स। 3 इडियट्स का डायलॉग है, मेरा नहीं, मेरे मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, आमिर खान ने बोला है कि मशीन्स तैयार होती हैं वहाँ पे। क्यों होती हैं, उसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ सिलेबस तैयार कराया जा रहा है और कुछ नहीं, सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस से सीखा नहीं जाता है, सिलेबस इज जस्ट फॉर डिग्री, डिग्री कंप्लीट करनी है, कोर्स निपटाना है तो सिलेबस निपटा लो, ये 8 रागे हैं, 10 रागे हैं, ये निपटा लो, ये ताले हैं, ये रागे हैं, ये निपटा लो, याद कर लो, फटाफट एग्जाम दे दो, पास हो जाओ, निकलो। 12वीं पास करे हुए बहुत सारे लोग होते हैं, ये किस किसके पास होता है, बुद्धि किसके पास होती है, 12वीं तो कोई भी पास कर लेता है ना, 12वीं पास करे हुए बहुत सारे उसी बैच के इतने सारे विद्यार्थी होंगे, पर कितनों में बुद्धि होगी वो कौन तय करेगा, है ना। तो आईक्यू बहुत अलग चीज है, नॉलेज बहुत अलग चीज है, डिग्री बहुत अलग चीज है। तो अगर पैसा कमाना है, करियर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, संगीत में होता है, क्लासिकल में होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलती है, लोगों को प्रोफेसर्स बनते हैं, पीएचडी करनी पड़ती है उसके लिए, तो अच्छी कमाई भी हो जाती है, ऐसा नहीं लाख लाख डेढ़ लाख रुपए कमा रहे हैं यार महीने के, क्या बात कर रहे हो आप, बलि आता उन्हें कुछ भी नहीं, अंगूठे ठीक है संगीत के मामले में, बुराई नहीं कर रहा हूं, यही सत्यता है। मैंने देखे हैं, मेरे पास आते हैं ऐसे लोग पीएचडी करे हुए, मुझे यकीन नहीं होता, मैंने कहा अरे आप तो पीएचडी है, मैं तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में हूं, है ना। पर खैर वो बात अलग है कि मैंने संगीत को बचपन से जिया है, मैं बचपन से इसी विषय में हूँ, तो मेरे लिए इसका कोई दर्जा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है कि पीएचडी क्या चीज़ है या वो क्या चीज़ है, मैंने जितने साल इसमें दिए हैं मुझे उतनी नॉलेज है। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ये तय नहीं करती कि मुझे कितना संगीत आता है। मेरी कॉलेज में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ तो टीचर्स मुझे थोड़ी देर बताने के बाद ये बोलते कि बेटा हाँ तुम ही क्लास ले लो, हम चले जाते हैं करके, है ना। ये देन है ऊपर वालों की, मेरे गुरुओं की देन है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर एक सत्य बता रहा हूँ कि कॉलेजेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि वहाँ से आपको क्या डिग्री मिलेगी, है ना। पीएचडी करे हुए स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, हमारे इंस्टीट्यूट में, कि सर हमें नहीं आ रहा है, हमने बहुत सारी रागें तो कर ली पर हमें आता कुछ नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए भी बता रहा हूँ कि ग्रुप में ऐसे यहाँ बैठ कर ऐसे नहीं सीखा जाता है, सीखने के लिए एक विधिवत ढंग होता है, गुरु के पास जाना पड़ता है, तो प्राइवेट क्लास ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। बाकी अगर कमाना है क्लासिकल म्यूजिक के अलावा, फिल्मी कमाना है, तो आपको इंडस्ट्री में भटकना पड़ता है, अलग अलग आप अपना काम कीजिए, इंडस्ट्री आपको उठा लेती है। हनी सिंह ने क्या किया, उन्होंने अपने गाने निकाले, अपनी एल्बम्स निकाली थी, बॉलीवुड ने पकड़ लिया क्योंकि फेमस आदमी है। तो भैया अगर वहां से उठना है ना, तो ऐसा कुछ काम करो कि पैसा जो है वो लोग आपको देंगे, और कैसे देंगे, क्योंकि आपके पास ऑडियंस होगी, अपनी ऑडियंस तैयार करो। आज आप लोग मुझे क्यों सुन रहे हो, बिकॉज मेरे पास ऑडियंस है, फ्रंट रो ने मुझे क्यों संपर्क किया, वरना मेरा क्या लेने देना, मुझे कैसे जानते ये लोग, मैं तो कहीं प्रोग्राम करने भी नहीं जाता, मेरा नाम है तो सिर्फ यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर लोग मुझे जानते हैं, तो इन्होंने मुझे संपर्क कर लिया कि आप सिखाते हैं, आप अच्छे कलाकार हैं, तो आप हमारे यहाँ भी सिखाइए आकर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 7 लाख की ऑडियंस है मेरे पास, 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं लगभग हमारे, है ना। तो ऑडियंस बनाओ अपनी, और ऑडियंस बनाने के लिए काम करते रहो,
अब भले ही वो आपकी ऑडियंस ऐसे बन रही है कि आप जगह जगह जाके परफॉर्म करके कर रहे हो, लेकिन उसमें बहुत स्ट्रगल है, और इसी वजह से, और स्ट्रगल भी है और इज्जत कम है वहाँ, इस वजह से मेरे पिताजी ने वो लाइन हमें ज्वाइन नहीं करने दी, है ना। वरना मैंने बता ही दिया, दो तीन ही कैरियर एस्पेक्ट्स हैं आपके, या तो आप यूट्यूब अपना खुद का बना सकते हो, जगह जगह जाके परफॉर्म कर सकते हो, छोटी मोटी भजन संध्याएं कर सकते हो, माता जी की चौकी कर सकते हो, करने में होता ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार रिसोर्सेज की कमी है या होगा नहीं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो यही कर रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करके लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपये कमा रहे हैं महीने के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जगह जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बम्बई चले जाते हैं, कोशिश करते हैं, भटकते हैं वहाँ पे, कुछ होता ही नहीं। अरे बम्बई में चांस क्यों देगा आपको कोई? आपको अगर कोई जानता ही नहीं है तो आपके गाने सुनेगा कौन? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। आपको सुनने वाले, आपकी जनता, वो कहाँ से बनेगी? कोई आप पे पैसा क्यों लगाएगा? फ्रंट रो मुझे सैलरी क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं अगर यहां बोलना शुरू हुआ तो लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं मुझे, वरना वाई वुड फ्रंट रो हायर मी? तो कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर आप पे पैसा क्यों लगाएगा अगर उसे ये अश्योरिटी नहीं है कि मैं तेरा गाना तो बना दूंगा पर व्यूज तो आएंगे ही नहीं उस पे? अभी भूमि प्रोजेक्ट सलीम सुलेमान जी कर रहे हैं, उसमें ऐसे ऐसे कलाकारों को पकड़ रहे हैं जिनको हमने पहले नहीं सुना, कुछ ऐसे भी कलाकारों को वो लेकर आए। एक शिव भजन गाते हैं जो उनको लेकर आए, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं, पर उनसे पूरा एक प्रोजेक्ट करवाया उन्होंने। उस्मान मीर साहब को लेकर आए, उनसे पूरा प्रोजेक्ट करवाया, एक गाना पूरा का पूरा बाकायदा उनको वीडियो सॉन्ग उनका बनवा के दिया। क्यों? क्योंकि उन दोनों के पास अपनी जनता है और अश्योरिटी है सलीम साहब को, सलीम मर्चेंट जी को, कि इनके वीडियो डालेंगे तो पैसा आ जाएगा, गारंटी रिटर्न मिल जाएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर कोई देखता है, तो जनता बनाओ अपनी। और जनता बनेगी कैसे? उलझुलुल काम करके भी बन जाएगी, जनता बनाने में कोई देर नहीं लगती, है कि नहीं? प्रिया प्रकाश वॉरियर यही नाम था उनका, जिन्होंने एक आंख मारी थी और मिलियन फॉलोअर्स। तो खैर वो एक आंख मारने से नहीं बन गया था, वो तो वायरल होता है। ऐसा मैं ये नहीं कर रहा, उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अपना काम किया भाई, फिल्म में एक्ट किया है, बहुत मेहनत करी है और उनका करियर रहा होगा, जाहिर सी बात है। पर मैं उनका एग्जांपल लेकर ये समझा रहा हूँ कि जो लोग ये देख पाते हैं सिर्फ कि यार ये इस वजह से हिट हो गई तो मतलब इतना सा करने से हो जाता है, भूसे में आग लगती है यूं और यूं ही बुझ जाती है, लेकिन लकड़ी की आग लगती है देर से पर देर तक रहती है। एक वाक्य है, नोट करो, कि चर्चित बनना है या यादगार, ये आपके ऊपर है। पंकज त्रिपाठी जी जानते हो? कालीन भैया, कालीन भैया को जानते हो? मिर्जापुर तो देखा होगा लोगों ने, या फिर क्या नाम था उनका उस पिक्चर में, वासेपुर में भी थे वो, सुल्तान, सुल्तान नाम था उनका उसमें, है ना। पंकज त्रिपाठी जी बहुत उम्दा कलाकार हैं, उनके इंटरव्यू में मैंने ये लाइन सुनी है। वो कहते हैं कि मुझे चर्चित नहीं बनना है, मुझे यादगार बनना है। चर्चित मतलब यूं ही फेमस हो जाते हैं, अभी चर्चा में आ जाएंगे, आर्टिस्ट आ जाते हैं चर्चा में, हर आए दिन ट्रेंड बदलते हैं यार, इंस्टाग्राम खोलो, क्या नहीं होता, कितने ट्रेंड्स आ जाते हैं, तो वो चर्चा में आ रहे हैं, यादगार नहीं बन रहे, हम याद नहीं करते उन्हें। काचा बादाम लिखा किसी ने नीचे। तो वो चीज़ है यार, चर्चा में नहीं आना है अपने को, अपने को यादगार बनना है। लता जी को आज भी याद किया जा रहा है, सदियों याद किया जाएगा, रफ़ी साहब को हमेशा याद किया जाएगा, है ना। बहुत ऐसे फोक आर्टिस्ट थे, मैं नेहा कक्कड़ साहब, उनकी साहिबा की बुराइयां नहीं करूंगा, पर उस जॉनर में गाने वाली बहुत सारी सिंगर्स हैं जो आके गा के चली गई, पर हम उन्हें याद नहीं करते। चर्चा में तो थी वो, उस समय वो भी थी चर्चा में जितनी चर्चा में ये हैं आज। हनी सिंह उस समय भी चर्चा में थे, कहाँ गए? यादगार, एवरग्रीन, रानू मंडोल जिनका एग्जांपल अभी एक चैट बॉक्स में लिखा है, उनकी आवाज़ अच्छी लगी, हिमेश रेशमिया ने गाने दे दिया उन्हें, चर्चा में आ गई तुरंत, पर टिका कब तक इंसान? टिकना अगर है, अगर टिकना है तो एक जगह टिक के सीखना पड़ता है। अगर इंडस्ट्री में या जमाने में टिकना है, अपनी कोई छाप छोड़ के जानी है, तो बहुत काम करना पड़ता है।